Well, these are the top headlines. Let's watch Congress leader Rahul Gandhi live from Himachal Pradesh. और यही काम नरेंद्र मोदी ने पिछले 10 साल में किया है। आप मुझे बता दो, 700 किसानों को शहीद किया। आप मुझे बताओ, नरेंद्र मोदी जी ने हिमाचल के किसान, बाकी प्रदेशों के किसान के लिए कौन सी चीज की है, मुझे बताओ। सबसे पहले एक काम नहीं किया। जब वो बाहर आए, काले कानून लाए, तीन काले कानून लाए अदानी और अंबानी वाले, जब किसान बाहर आते हैं वो कहते हैं ये आतंकवादी हैं। 700 किसान शहीद हुए, उनको शहीद का दर्जा नहीं दिया। पार्लियामेंट में मुझे उसके बारे में बोलने नहीं दिया। युवाओं को 2 करोड़ रोजगार का वायदा किया था, कुछ नहीं मिला। और आजकल नया फैशन चला है, इंटरव्यू में नरेंद्र मोदी ने कहा कि मैं बायोलॉजिकल नहीं हूं। हिंदुस्तान के सारे लोग बायोलॉजिकल हैं। मतलब नरेंद्र मोदी अकेले हैं जो बायोलॉजिकल नहीं है। कहते हैं कि जो होता है मुझे मालूम नहीं कैसे होता है, परमात्मा कराते हैं, मैं परमात्मा का काम करने के लिए धरती पे आया हूं। अभी पता क्या है, चुनाव के बाद जब अदानी जी वाली इंक्वायरी होगी तो नरेंद्र मोदी जी कहेंगे भैया एयरपोर्ट मैंने नहीं दिया, परमात्मा ने कहा था, मैंने कर दिया। ये बहाना है। और मीडिया वाले, नरेंद्र मोदी कहते हैं परमात्मा मुझे ऑर्डर देता है, ये कहते हैं वाह 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 क्या बात करी। किसी दिन सुकू जी मेरे पास आए बंद कमरे में, उन्होंने मुझे कह दिया कि राहुल जी परमात्मा ने मुझे यहां भेजा है। मैं उनसे कहूंगा सुकू जी ये सब ठीक है, बाहर मत कह देना आप, मुश्किल हो जाएगी। मगर वो खुल के बोल रहे सबको। मैं सोच रहा हूं कि परमाणु बम हाथ में उनके, मैं पूछना चाहता हूं भैया ये जो आपको होता है, ये जो दौरा पड़ता है, ये शाम को पड़ता है, सुबह पड़ता है, ये आपको कब कब लगता है कि भैया परमात्मा ने आपको मैसेज दिया है, उनसे आप बात करते हैं, 8 बजे शाम को करते हैं, रात को करते हैं, सुबह करते हैं, हर रोज होता है, कब होता है? सही बात है ना। अगर कोई आपके पास आए और आपसे कहे भैया मेरा डायरेक्ट कनेक्शन है परमात्मा के साथ, तो आप क्या कहोगे उसको, क्या कहोगे उसको? कोविड आता है, नरेंद्र मोदी जी कहते हैं भाइयों और बहनों थाली बजाओ, मीडिया कहते हैं वाह 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 वा, कमाल की बात है। उसके बाद कहते हैं भाइयों और बहनों लाइट जलाओ, मोबाइल फोन की लाइट जलाओ, गंगा में लाशों का ढेर, वेंटिलेटर नहीं, ऑक्सीजन नहीं, देश का प्रधानमंत्री खुलकर कह रहा है कि थाली बजाओ, मोबाइल फोन जलाओ। उनका काम क्या है? उनका काम ऑक्सीजन देने का है, उनका काम हॉस्पिटल चलाने का है, उनका काम वेंटिलेटर चालू कराने का है, वो सब छोड़ दिया। कहते भैया थाली बजाओ। और यही राजनीति इन्होंने पिछले 10 साल में की है। काम सिर्फ अदानी अंबानी का किया है। मजदूरों के लिए क्या किया बताओ? गैस सिलेंडर की बात होती थी, कहते थे 400 रुपए का गैस सिलेंडर हो गया है, आज कितने का है? 1200 का है। तो सारा का सारा काम इन्होंने उन्हीं के लिए किया है। और मीडिया में वो उनका चेहरा दिखाते हैं 24 घंटा। अदानी जी की मीडिया है, वो चलाते हैं नरेंद्र मोदी जी का चेहरा। कभी आपने देखा है हिमाचल के किसान को मीडिया पर? कभी देखा आपने किसान को या किसी बेरोजगार व्यक्ति को मीडिया पर देखा है? गरीबी की बात, महंगाई की बात कभी सुनी है आपने? अंबानी जी की शादी तो देखी होगी, 8 करोड़ वाली घड़ी देखी ना, डांस गाना देखा आपने वहां पे? मगर अगर आप हिंदुस्तान की जनता से पूछे वो आप तो कहेंगे भैया बेरोजगारी, महंगाई, भागीदारी, गरीबी, ये है मुद्दे, मीडिया कभी दिखाता नहीं। अब
22 लोगों के लिए काम किया, 22 अरबपति बनाए। अगले 10 साल में हम करोड़ों लाखपति बनाने जा रहे हैं। मैं आपको बता रहा हूं, यह मीडिया वालों की आदत है, जब हम मनरेगा लाए थे उन्होंने कहा देखो गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, जब हमने किसानों का कर्जा माफ किया कहते हैं देखो किसानों की आदत बिगड़ रही, भोजन का अधिकार लाया देखो लोगों को आलसी बना रहे, मगर अदानी का कर्जा माफ होता है कहते देखो विकास हो रहा है, कितना विकास हो रहा है। तो जितना नरेंद्र मोदी ने 22 लोगों का किया उतना हम करोड़ों लोगों का करने जा रहे हैं। यहां पे महिलाएं आई हैं, हिंदुस्तान के सारे गरीब परिवारों की लिस्ट बनेगी, उसमें हर प्रदेश के गरीब लोगों की लिस्ट होगी, किसान मजदूर छोटे व्यापारी इस लिस्ट में सारे किसानों के परिवार होंगे, हर परिवार में से एक महिला का नाम चुना जाएगा, करोड़ों महिलाएं होंगी और उनके बैंक अकाउंट में हर महीने ठका ठक 8,500 रुपए डालेंगे, 8,500 रुपए महीने के, साल के 1,00,000 रुपए करोड़ों महिलाओं के बैंक में डालेंगे। और वो तब तक चलेगा जब तक वो परिवार गरीबी रेखा से ऊपर नहीं आएंगे, ये रुकने वाला नहीं है, ये रुकने वाला नहीं है। अगर मीडिया वाले कहेंगे कि गरीबों की आदत बिगाड़ रहे हैं, अगर ये ज्यादा कहेंगे हम उसको डबल कर देंगे। वही काम हम किसानों के लिए करने जा रहे हैं, किसानों का हम कर्जा माफ करेंगे और गारंटी कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को हम देने जा रहे हैं। मजदूरों को आज 250 रुपए मिलता है मनरेगा में, हम 400 रुपए देंगे। आशा और आंगनवाड़ी की महिलाओं को जितना भी आज पैसा मिलता है उसको हम दुगना कर देंगे। और जो हमारे युवा हैं, नरेंद्र मोदी जी ने आपको बेरोजगार किया, कैसे किया मैं आपको समझाता हूं। अदानी अंबानी की मदद की, छोटे व्यापारियों को खत्म किया, नोटबंदी गलत जीएसटी लागू की, और जो लोग देश को रोजगार देते हैं स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले छोटे व्यापारी दुकानदार, उन सबको नरेंद्र मोदी ने दबा के कुचला। अब हम ये सब बदलने जा रहे हैं। युवाओं को सबसे पहले हमने पता लगाया है, मैं 2 करोड़ की बात नहीं करूंगा क्योंकि 2 करोड़ झूठ होगा, मैं आपको सच्चाई बोलने आया हूं। 30,00,000 सरकारी रोजगार हैं, खाली पड़े हैं, वो हम आपके हवाले कर देंगे। दूसरी बात, जैसे हमने मनरेगा में मजदूरों को रोजगार का अधिकार दिया था, वैसा ही अधिकार, रोजगार का अधिकार हम हिंदुस्तान के ग्रेजुएट्स को, डिप्लोमा होल्डर्स को, कॉलेज और यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स को देने जा रहे हैं। मगर ये रोजगार मजदूरी का नहीं होगा, ये अधिकार जॉब का अधिकार होगा, पहली नौकरी का अधिकार होगा। हम कैसे करेंगे? अदानी जी के बेटे, अंबानी के बेटे जब ग्रेजुएट करते हैं उनको 1 साल की अप्रेंटिसशिप मिलती है, पिता के कंपनी में काम करते हैं 1 साल की सैलरी मिलती है, ट्रेनिंग मिलती है और इस एक्सपीरियंस से जॉब मार्केट के दरवाजे उनके लिए खुलते हैं, आगे बढ़ पाते हैं। ये हिंदुस्तान के गरीब बेरोजगार युवाओं को मौका नहीं मिलता है, इसीलिए सरकार में, पब्लिक सेक्टर में, BHEL HEL जैसी कंपनीज में, प्राइवेट सेक्टर में, सरकारी अस्पतालों में, सरकारी कॉलेजेस यूनिवर्सिटीज में हम हिंदुस्तान के बेरोजगार युवाओं को 1 साल नौकरी का अधिकार देने जा रहे हैं। ये आपका हक है, ये आपका अधिकार होगा।
और अगर आपने सरकार से ये मांगा, सरकार को ये आपको देना पड़ेगा। जॉब एक साल की होगी, एक प्रकार से जॉब मार्केट में एंट्री करने का तरीका है ये। एक साल की नौकरी होगी, बैंक अकाउंट में महीने का खटाखट 8,500 रुपए जाएगा, साल का 1,00,000 रुपए आपके बैंक अकाउंट में आएगा। ठीक है, तो हमारी सोच है कि जैसे नरेंद्र मोदी जी ने 22 लोगों को पैसा दिया, ये लोग इस पैसे को इंग्लैंड में जाके, अमेरिका में जाके, जापान में जाके खर्च किए हैं। आपका पैसा इन्होंने बाहर जाके खर्च किया। अब हम करोड़ों लोगों के बैंक अकाउंट में लाखों करोड़ रुपए डालने जा रहे हैं। क्या होगा? आप लोग अमेरिका में इसको खर्च नहीं करोगे, आप लोग हिमाचल प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, बंगाल में, गांव में, छोटे छोटे शहरों में इस पैसे को खर्च करोगे। जैसे ही क्या करोगे, आप शर्ट खरीदोगे, पैंट खरीदोगे, मोबाइल फोन खरीदोगे, मोटरसाइकिल खरीदोगे, डिमांड बनेगा, हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां ये चीजें बनाना शुरू करेंगी। जैसे ही हिंदुस्तान की फैक्ट्रियां फिर से चालू हो जाएंगी, हिमाचल प्रदेश के बेरोजगार युवाओं को उन्हीं फैक्ट्रियों में रोजगार मिलेगा। हम चेन बना रहे हैं, जैसे मोटरसाइकिल में पेट्रोल डाला जाता है और फिर चाबी घुमाई जाती है, वैसे ही हम आपके बैंक अकाउंट में पैसा डाल रहे हैं। वो पेट्रोल है, जैसे ही वो आपके बैंक अकाउंट में जाएगा, आप उस पैसे को खर्च करोगे, हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था चालू हो जाएगी, स्टार्ट हो जाएगी, फैक्ट्रियां खुल जाएंगी, रोजगार शुरू हो जाएगा। रोजगार इसलिए खत्म हुआ है क्योंकि नरेंद्र मोदी जी ने आपके जेब में से पैसा खींच लिया है। नोटबंदी, जीएसटी, ये सब आपके जेब से पैसे छीनने के तरीके हैं। हम आपके बैंक अकाउंट में, जेब में लाखों करोड़ रुपए डालने जा रहे हैं हिंदुस्तान की अर्थव्यवस्था को जंप स्टार्ट करने के। अब दो और चीजें युवाओं के लिए और शायद हिमाचल प्रदेश के युवाओं के लिए। देखिए, हिमाचल प्रदेश के युवा सेना में जाते हैं, बॉर्डर पे खड़े होते हैं, जिंदगी दे देते हैं, जान देने के लिए तैयार होते हैं। पहले क्या होता था, अगर कोई शहीद होता था तो एक ही कैटेगरी का शहीद होता था, शहीद का दर्जा मिलता था, फैमिली की प्रोटेक्शन होती थी, फैमिली को, परिवार को पेंशन मिलती थी। नरेंद्र मोदी जी ने शहीद के दो कैटेगरियां बना दी है। एक कैटेगरी नॉर्मल जवान और ऑफिसर, जिसको शहीद का दर्जा मिलेगा, पेंशन मिलेगी, कैंटीन मिलेगी, सारी की सारी प्रोटेक्शन मिलेगी, रिस्पेक्ट मिलेगी, इज्जत मिलेगी। और दूसरा शहीद, जिसको नरेंद्र मोदी अग्निवीर कहते हैं, उसे ना ट्रेनिंग मिलेगी, ना पेंशन मिलेगी, उसको उठाकर 3 साल बाद 4 साल बाद आर्मी के बाहर फेंक दिया जाएगा। अमित शाह आए, कहते हैं कि अग्निवीरों को पैरामिलिट्रीज में, पुलिस में नौकरी मिलेगी। सवाल यह नहीं है, सवाल यह है कि अगर हिंदुस्तान का एक युवा देश के लिए शहीद होने के लिए तैयार है तो उसको वही रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो दूसरे युवाओं को मिलती है। हमें दो तरीके के शहीद नहीं चाहिए, हमें दो तरीके के जवान नहीं चाहिए। ये इनको 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे और फिर चाइना की सेना के सामने इनको खड़ा कर देंगे। चाइना की सेना को 5 साल की ट्रेनिंग मिलेगी, हमारे जवानों को 6 महीने की ट्रेनिंग मिलेगी। नतीजा आपको मालूम है क्या होने जा रहा है। तो मैं आपको यह कहना चाहता हूं कि इंडिया की सरकार आएगी, इंडिया गठबंधन की सरकार आएगी, और हमारा पहला काम महालक्ष्मी योजना से पहले, पहली नौकरी पक्की से पहले, किसान कर्जा माफी से पहले, पहला काम होगा कि हम अग्निवीर योजना को फाड़ कर कूड़ेदान में फेंक देंगे। ये स्कीम जो है, हमने पता लगाया है, ये स्कीम आर्मी की स्कीम नहीं है, आर्मी इस स्कीम को नहीं चाहती। इस स्कीम को
प्रधानमंत्री ने और पीएमओ ने बनाया है। आर्मी नहीं चाहती है दो तरीके के शहीद, आर्मी चाहती है कि सिर्फ एक तरीके के जवान हो, सबको इज्जत मिले, सबको पेंशन मिले, सबकी रक्षा हो। इसीलिए अग्निवीर योजना को चुनाव के एकदम बाद आप भूल जा सकते हो, इसकी कोई जगह नहीं रहेगी, इसको आप हटा देंगे। ये मैं आपको मैसेज देना चाहता था। लड़ाई भाइयों और बहनों इसकी है, कॉन्स्टिट्यूशन की है, संविधान की है। ये अंबेडकर जी, महात्मा गांधी जी, जवाहरलाल नेहरू जी और हिंदुस्तान की पूरी जनता की आवाज है। बीजेपी के लोग, ये हमारे कार्यकर्ता जानते हैं कि जो भी हिंदुस्तान के लोगों को आज तक मिला है, आपको स्टेट मिला, हिमाचल प्रदेश मिला, मैं आपको आज कह रहा हूं कि अगर यह कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता, अगर यह संविधान नहीं होता, आपको हिमाचल प्रदेश कभी नहीं मिल सकता। अगर आपको प्रदेश मिला है तो इस किताब ने आपको प्रदेश दिया है। और यह सिर्फ कोई मामूली किताब नहीं है, इसमें हिंदुस्तान की हजारों साल पुरानी सोच है, हमारे महापुरुषों की सोच है। बीजेपी के नेता खुलकर कह रहे हैं कि अगर हम चुनाव जीते हम इसको खत्म कर देंगे, रद्द कर देंगे, फाड़ के फेंक देंगे, कभी नहीं होगा ये। बीजेपी वालों, आप सपना मत देखो, टाइम अपना जाया मत करो। कांग्रेस पार्टी के कार्यकर्ता बब्बर शेर यहां खड़े हैं, वो ये कभी नहीं होने देंगे। कोई भी शक्ति नहीं है जो हिंदुस्तान से इस संविधान को छीन पाए, क्योंकि हमारे यहां पर टाइगर घूम रहे हैं। और ये जो टाइगर है, ये बब्बर शेर जो घूम रहे पूरे हिमाचल प्रदेश में, ये चार की चार लोकसभा की सीट यहां जिताने जा रहे हैं। मैं आपको दिल से धन्यवाद करता हूं, सुक्खू जी का धन्यवाद करता हूं। और यहां पे देखिए, प्रधानमंत्री जी आए और खुलकर आपके सामने कह रहे हैं, हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री कह रहा है कि मैं चोरी कर पैसा देकर भ्रष्टाचार करके हिमाचल प्रदेश की सरकार को गिराने की कोशिश करूंगा। खुलकर कह रहा है, गोवा की सरकार चोरी की, अरुणाचल की सरकार चोरी की, मध्य प्रदेश की सरकार चोरी की, पैसा देकर, करोड़ों रुपए देकर। नरेंद्र मोदी जी, आप हिमाचल प्रदेश की सरकार नहीं चोरी कर पाओगे, क्योंकि हिमाचल प्रदेश की सरकार, हिमाचल प्रदेश की जनता आपको समझ गई है, आपको पहचान गई है। सारे के सारे भ्रष्ट लोग बीजेपी चले गए। हालात ये है भाई और बहनों, जो हमारे यहां से निकल के गए हैं ना, पंजाब में, महाराष्ट्र में, किसानों से वो भागकर दौड़ रहे हैं, भाग के दौड़ रहे हैं, सामने नहीं आ पा रहे, क्योंकि सारा देश जानता है कि नरेंद्र मोदी भ्रष्टाचार के सेंटर है, एपी सेंटर है। नरेंद्र मोदी जी इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए, कहते हैं राजनीति को साफ करने के लिए इलेक्टोरल स्कीम लाए, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए। अच्छा, अगर आप इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम लाए तो जब सुप्रीम कोर्ट कहता है, आपने छुपाया क्यों है? भाई और बहनों, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम मैं आपको समझा देता हूं। कंपनी पर दबाव लगता है, सीबीआई ईडी की इंक्वायरी होती है, कंपनी बीजेपी को रिश्वत देती है, सीबीआई इंक्वायरी, ईडी इंक्वायरी बंद हो जाती है। यह है इलेक्टोरल बॉन्ड स्कीम, हफ्तेबाजी है, एक्सटोर्शन है। दुनिया का सबसे बड़ा एक्सटोर्शन स्कीम नरेंद्र मोदी जी ने लागू किया हिंदुस्तान, यह सच्चाई है। और यह सच्चाई पूरा देश अब बहुत अच्छी तरह समझ गया है कि नरेंद्र मोदी जी अदानी जी के लिए, अंबानी जी के लिए काम करते हैं, किसान, मजदूर, बेरोजगार युवाओं के लिए काम नहीं करते हैं। और नरेंद्र मोदी इसको खत्म करना चाहते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन को रद्द करना चाहते हैं, पूरा देश समझ गया है। इसीलिए हिमाचल प्रदेश में चार की चार सीट कांग्रेस पार्टी को आने जा रही है, विधानसभा में भी हमारी छह की छह सीट यहां आएंगी। आप सबका दिल से धन्यवाद करता हूं, इतनी गर्मी में आप आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिमाचल। आप हिमाचल की इस धरा जिला ऊना पे आए, आपका दिल की रहाइयों से बहुत बहुत धन्यवाद। सभी दोनों हाथ खड़ा करके एक नारा लगाकर श्री राहुल गांधी जी का धन्यवाद करें।
श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी। आप सभी दोनों हाथ खड़ा करके ये भी दिखाएं कि हम चार की चार लोकसभा की और छह की छह हम विधानसभा की सीटें जीतेंगे। भारत माता की। सुखू जी को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित करेंगे, श्री राजीव शुक्ला जी जो हमारे प्रभारी हैं उनको सम्मानित करेंगे। मैं श्री सतपाल राजादे जी से निवेदन करूंगा कि वो भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक प्रतिमा श्री राहुल गांधी जी को देकर वो सम्मानित करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुकेश। जाना चाहिए कि आप कितना प्रेम हमारे हर दिल हजीज नेता श्री राहुल गांधी जी से करते हैं। अब प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी, अब श्री सुक्खू जी को शॉल व टोपी पहनाकर सम्मानित करेंगे, श्री राजीव शुक्ला जी जो हमारे प्रभारी हैं उनको सम्मानित करेंगे। मैं श्री सतपाल राजादे जी से निवेदन करूंगा कि वो भारत रत्न स्वर्गीय राजीव गांधी जी की एक प्रतिमा श्री राहुल गांधी जी को देकर वो सम्मानित करें। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं श्री मुकेश। जाना चाहिए कि आप कितना प्रेम